मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बताऊँगा, बल्कि एक ऐसा रूहानी इलाज और ऐसा अमल बताने के लिए जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने नाइट फेल को लेकर के, एहतलाम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो ये कहते हैं, हज़रत जैसे ही हम रात को लेटते हैं, सोते हैं, फौरन ही ख्वाब होता है और हमें नाइट फेल हो जाता है, यानी हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लायक भी नहीं रहते हैं। तो जिन्हें इस मर्ज़ की शिकायत है तो, और उन्होंने इधर उधर से बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं, तो आपको मैं कुरानी इलाज देने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए, अगर आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तभी आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। करना ये होगा कि जब आप रात को इशा की नमाज़ के बाद सोने के लिए जाएं, तो सोने से पहले वुज़ू करके सूरे मआरिज एक बार पढ़ना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ तीन तीन बार, और सूरे मआरिज एक बार पढ़ना है और सो जाना है, समझे। फिर उसके बाद में इसी तरीके से रोज़ाना रात को करना है। ये 40 दिन आप करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला फिर आपको नाइट फेल नहीं होगा और आपकी फजर की नमाज नहीं छूटेगी, ठीक है। और ये सूरह मआरिज जो है ये 29वें पारे में है, ठीक है, 29वें पारे में सूरह मआरिज है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ये बहुत ही जो है मुजर्रब और बड़ा ही आसान है, जिसे आप अपने घर पर ही बैठ के रोज़ाना कर सकते हैं, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, इस अमल को आप रोज़ाना